This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा हुई। CRPF के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास नक्सलियों द्वारा अगवा कर लिए गए थे। कमांडो मन्हास को नक्सलियों ने 8 अप्रैल को रिहा कर दिया। पत्रकारों और वार्ताकारों की एक टीम गहरे जंगल में नक्सलियों द्वारा एक जन अदालत में गई। राकेश्वर सिंह मन्हास को लेकर चली आई। इसे रणनीतिक जीत की तरह देखा गया लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट सामने आ रहा है। खबरें बताती हैं कि जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की रिहाई पाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से कुंजाम सुक्का नाम के व्यक्ति को रिहा किया गया था। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सुक्का CRPF की हिरासत में था। कई लोग यहां तक कह रहे हैं कि सुक्का खुद एक माओवादी है जो बारूदी सुरंग लगाने का माहिर माना जाता है। कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल की घटना के बाद सुक्का से सुरक्षा बलों ने सूचना वास्ते पूछताछ भी की थी। कुछ वीडियो भी पत्रकारों के ग्रुप में घूम रहे हैं जिसमें सुरक्षा अधिकारी एक व्यक्ति की पिटाई करते पूछताछ करते और उसके साथ घरों की तलाशी लेते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीडियो में पिटाई खाता शख्स सुक्का ही है। लल्लन टॉप अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बात बस खबरों की ही नहीं है। कमांडो मन्हास की रिहाई वास्ते मध्यस्थता करने गए लोगों में से एक तेलम बोरैया के एक पत्रकार से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। इस बातचीत में तेलम बोरैया ने बताया है कि सुक्का तो तेर्रम CRPF कैंप में वार्ताकारों और पत्रकारों को सौंपा गया था। बोरैया के कथित ऑडियो के मुताबिक तेलमगुड़ा के रहने वाले सुक्का के साथ सुरक्षा बलों ने नक्सलवादी बताकर मारपीट की थी और बाद में नक्सलवादियों और ग्रामीण आदिवासियों की उसी जन अदालत में छोड़ा गया जहां से कमांडो मन्हास को रिहा कराकर पत्रकार वापस लेकर आए थे। ऑडियो के मुताबिक सुक्का ने ही सभी पत्रकारों और वार्ताकारों को जंगल के अंदर तक का रास्ता दिखाया था। इस बात पर अधिकारियों का पक्ष सुनने के लिए हमने बस्तर IG पी सुंदरराज से बात की। बातचीत कुछ यूं थी। हमारे रिपोर्टर सिद्धांत मोहन ने पूछा, खबरें हैं कि राकेश्वर सिंह मन्हास की रिहाई के बदले में कुंजाम सुक्का नाम के व्यक्ति को रिहा किया गया। IG पी सुंदरराज ने कहा, ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। अब तक इस मामले में किसी भी माओवादी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और किसी माओवादी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो किसी माओवादी को रिहा करने की बात ही नहीं उठती है। सिद्धांत मोहन ने आगे पूछा, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि क्या किसी कुंजाम सुक्का नाम के व्यक्ति को रिहा किया गया? मैंने अपने सवाल में कहीं माओवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सवाल दो बार सुनने के बाद IG पी सुंदरराज ने कहा, इस प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो रिहा करने का सवाल नहीं उठता है। तेलम बोरैया के ऑडियो के बारे में सवाल पूछने पर IG पी सुंदरराज ने कहा, उनका मतलब उन लोगों से रहा होगा जो उन्हें ग्रामीण गांव के अंदर उन्हें रास्ता दिखाने ले गए होंगे। 3 तारीख की घटना के बाद भी कुछ ग्रामीण घायल जवानों के साथ चले आए थे। वो भी समय समय पर अपने गांव की ओर लौट रहे थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ ने उन्हें रास्ता दिखाया होगा। नक्सलियों को किसी को सौंपा गया या रिहा किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंजाम सुक्का के कथित वीडियो के बारे में पी सुंदरराज ने कोई बयान नहीं दिया लेकिन कहा कि वीडियो देखने के बाद ही कोई बयान दिया जा सकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।